रीसेंट चलाई गई अव्यक्तवाणी है 5-3-12। चौथे पेज की आदि में बात चल रही थी दादी जी ने बताया आप लोग प्रैक्टिकल में आ रहे हैं इसके लिए भी आपको मुबारक हो। अभी राजस्थान एक कमाल करना नंबर पहले बारिश क्वालिटी बाबा के सामने लाना बाप दादा ने देखा कि सभी वर्गों ने अपने अपने संपर्क वालों की मेजॉरिटी लिस्ट दी है लेकिन सहयोगी तो हैं। अब आगे क्या करेंगे सहयोगियों को यज्ञ स्नेही बनाओ। जब यज्ञ स्नेही बनेंगे तो हर कार्य में सभी सहयोगी बनेंगे। लिस्ट बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है मेजॉरिटी समय प्रति समय लिस्ट देते रहते हैं। मेजॉरिटी लिस्ट अच्छी है अभी 2-4 वर्ग की लिस्ट आई है आज भी आई है लेकिन अभी इसने ही बनाओ अर्थात हम यज्ञ के ही हैं ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि बनाओ। सहयोगी हैं उसमें तो कहेंगे कि हम हैं ही सहयोगी लेकिन इसने ही जो भी यज्ञ के नियम कार्य हैं उसमें भी इसने ही बनेंगे। वर्ग वालों ने अच्छा कार्य किया है बाप दादा ने वर्ग वालों को भी मुबारक दी है। राजस्थान माना राजा बनके राजा बनाने वाले प्रजा नहीं राजा बनाने वाले ये राजस्थान है ना तो राजस्थान कमाल करेगा ना। आज 2 बिंग्स आई हैं मेडिकल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग मुबारक हो। बाप दादा ने देखा जो भी वर्ग बनी है वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य अच्छा कर रही है। अभी दोनों विंग ने भी अपनी लिस्ट भेजी है बाप दादा ने देखी और मुबारक भी दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे संबंध संपर्क बनाए हैं और लाए हैं लेकिन बाप दादा ने समय के प्रमाण आज ये भी कहा कि सहयोगी तो हैं लेकिन अब यज्ञ स्नेही बनाओ वारिस क्वालिटी बनाओ। जो भी सहयोगी हैं
उनको अपने जौन में बाप दादा ने पहले भी कहा कि लिस्ट तो आई है, अच्छा है, लेकिन हर एक जौन एक एक वर्ग को अपने भिन्न भिन्न स्थान के सहयोगी या स्नेही आत्माओं को इकट्ठा करो। तीन दिन उनको संपर्क मिलाओ, रहें, मीटिंग करें और आगे के प्रोग्राम बनाएं। तो हर जोन जहां भी उनके हैं, सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहां भी जोन में हो, सहयोगों को इकट्ठा करो, उनकी मीटिंग करो और उनको विशेष एक बल भरो, विशेष बल भरो आगे बढ़ने का। जो अब तक किया है उसकी मुबारक दो और आगे बढ़ने का प्लान बना करके दो, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ने की विधि सुनानी पड़ेगी। तो सभी जोन मिलकर के एक एक वर्ग का जहां विशेष स्थान है वहां वहां इकट्ठा करो, फिर देखेंगे उस संगठन में कितने आते हैं, क्या आगे चाहते हैं। ऐसे संपर्क में लाएंगे तो वारस बन जाएंगे। बाकी ये दोनों वर्ग मेडिकल और ट्रांसपोर्ट जो खड़े हुए हैं, उनकी भी बाप दादा ने रिजल्ट देखी, रिजल्ट अच्छी है, इसलिए बाप दादा दोनों ही वर्गों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है अब समय नाजुक आया कि आया, इसलिए अभी कम से कम संपर्क वालों को यज्ञ स्नेही बनाओ। डॉक्टर्स का भी समाचार सुना, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स और भी अपने डॉक्टर्स की संख्या को इसने ही सहयोगी बनाते जाओ। संख्या कम है इसलिए उतने संतुष्ट नहीं होते हैं, प्लान तो अच्छा बनाया है, बाप दादा ने सुना है उस प्लान से वृद्धि हो सकती है, नाम फैल सकता है और दूसरी विंग वाले भी अच्छा, चारों ओर जो भी वीआईपी निकाले हैं उससे सिद्ध होता है कि कनेक्शन अच्छे रखे हैं। अब कनेक्शन वालों को संबंध में लाओ, कोई भी रह नहीं जावे, समय समाप्ति का आवे और सहयोगी के सहयोगी रह जाएं। ऐसा न हो इसलिए अब संबंध मिलाओ और समीप संबंध मिलाओ। बाप दादा ने देखा जब से वर्ग बने हैं तब से सेवा चारों ओर अच्छी फैली है, साधन अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी जोन को भी कहते हैं
अभी बारिश बनाने की विधि को थोड़ा और तीव्र करो, नहीं तो उलहना मिलेगा कि हम सहयोगी ही रह गए। आप प्लान जरूर बनाओ, फिर जिसका जो भाग्य होगा बोलेंगे और निकल सकते हैं। बाप दादा ने लिस्ट देखी, सभी अपने अपने समय पर लिस्ट देते हैं, तो लिस्ट अनुसार तो समीप हैं ही, इनमें से निकल सकते हैं। अभी ये कोशिश करो। अच्छा, कोई ने कहा मेडिकल विंग सिल्वर जुबली मनाए रही है, उसमें 8 ग्रुप सेवा के बनाए हैं। अच्छा है, बनाया है, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, पांच 3 12 की अव्यक्त वाणी का 5वां पेज। डबल विदेशी 1000 आए हैं और 65 देशों से आए हैं। सभी देखो कि आपको देख करके सब कितना खुश हो रहे हैं। बाप ने कहां कहां से 65 देशों से ढूंढ कर निकाला है, तो आप सबको भी खुशी और नशा है कि हमको बाप ने ढूंढ लिया और बाप दादा ने देखा। इस बारी सभी ने मिलकर के जो निमित्त बने हैं उन सबने बहुत बहुत अच्छी सेवा की है, निमित्त बनने की सेवा की है। बाप दादा एक एक का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी निमित्त बने उन्होंने सेवा में सफलता करके दिलों में ऐसा उमंग दिलाया है जो अपने स्थान में जाकर के अपने स्थान को भी ऐसे ही रिफ्रेश करेंगे। तो जो सेवा की निमित्त बने उनको बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। सिस्टम भी अच्छी बनाई है और जनक बच्ची ने तो सभी के दिल में उमंग और उत्साह एक्स्ट्रा भर दिया। हर एक का चेहरा दिखाई दे रहा है कि जो शक्ति इकट्ठी की है वो चेहरे पर आ रही है। सबके चेहरे खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं और अभी जो भारत और विदेश मिलकर के सेवा की है उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। भारत वाले विदेशियों को प्रेरणा देंगे और विदेश वाले भारत को प्रेरणा देंगे। मिलकर के करने से अपने में उमंग आया है और सुनने वालों में भी उमंग आता है कि विदेश वाले इतना कर रहे हैं और हम भारत में होते हुए भी नहीं कर रहे हैं। फील करते हैं और भारत वाले विदेश में जाते तो वो भी फील करते हैं कि हम यहां रहते अपना नहीं बनाया। उमंग में आकर के आगे बढ़ते हैं। बाप दादा को ये जो प्लान बनाया है 3-4 प्रोग्राम मिलकर के बनाए हैं,
बड़े बड़े प्रोग्राम उसमें बाप दादा ने देखा वायुमंडल में फर्क पड़ता है क्योंकि सब प्रकार के आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, जो भी भिन्न भिन्न धर्म के हैं वो सब प्रकार के इकट्ठे देखते हैं तो समझते हैं कि सचमुच विश्व एक हो सकता है। इसलिए आपकी ट्रेनिंग बाप दादा को अच्छी लगी। मेहनत वालों को बाप दादा खास मुबारक दे रहा है। अभी विदेश वाले बारिस क्वालिटी लाना, क्योंकि समय अचानक का है, तो जितने भी आत्माओं का कल्याण कर सको और जितना कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। अभी समय है, कम से कम बाप का घर तो देख लो, बाप का परिचय तो ले लें, उनके ऊपर तरस आता है ना, तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा को अभी एक बात याद आ रही है कि शुरू शुरू में भारत के अंदर कोई VIP लाते थे तो उनका अखबारों में नाम पड़ता था और अखबार वाले भी इंटरेस्ट से आते थे, गवर्नमेंट को देखना पड़ता है VIP को तो गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है। अभी वो नहीं किया है, आप आए हो उसकी तो मुबारक। प्रोग्राम में साथी बनते हैं ये बाप दादा भी अच्छा मानते हैं। अब उन्हों को भी लाओ तो गवर्नमेंट के थोड़े कान खुले, जैसे सभी देखते हैं और अभी भी देखते हैं कि ये जो 75 वर्ष की जुबली है, इस जुबली ने भारत वालों को अच्छा जगाया है। पहले जो समझते थे ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या करती हैं, अभी उनके मुख से निकला है कि कमाल है ब्रह्मा कुमारियों की और इनके 75 वर्ष पूरे हुए, और दूसरी कमाल है कि यहां बहने ही निमित्त बनी हैं और बहनों ने इतना कार्य किया है तो उन्हों को ये आश्चर्य लगता है। आश्चर्य भी लगता है और अभी नजदीक आने की दिल होती है कि मिलें, सुनें, और आपके मुख्य जो सब्जेक्ट हैं, आप आत्मा हो, वो इस जुबली के कारण सब तरफ समझते हैं कि आत्मा समझने से एक मत हो सकते हैं। तो जैसे इस जुबली ने कमाल की है ऐसे और भी करते जाओ, और सभी को संदेश पहुंचाने के लिए जो भी TV रेडियो सहयोग देते हैं उसको भी बाप दादा मुबारक देते हैं, जो घर बैठे सब देखते हैं। वैसे तो कई बहाना देते थे, चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है, अभी घर बैठे भी देखने से धीरे धीरे जागते हैं। तो जो भी कर रहे हो वो अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होता रहेगा, इसकी मुबारक हो। बाप दादा ने देखा है
कि अभी सेवा का उमंग भी सभी में जाग रहा है। उमंग जाग रहा है कि हम भी करें, हम भी करें। ये उमंग आया है। जब उमंग आ गया तो जहां उमंग है, उत्साह है, वहां सफलता तो है ही। इसलिए जो आप सम्मुख हो उनों को और जो घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल का प्यार और साथ में दिल में सदा रहने की मुबारक दे रहे हैं। अभी दिल लग गई है, यहां आबू में रहने की भी दिल लग गई है। अच्छा है, विदेशियों को देख के तो परिवार भी खुश होता है और 65 देशों से देखो किसमें आए हैं, प्यार के विमान में आए हैं। पहली बार बहुत आए हैं, पहली बार आने वालों को डबल मुबारक दे रहे हैं। क्यों डबल मुबारक दे रहे हैं? क्योंकि समय के हाहाकार के पहले अपना भाग्य बना दिया। अहो प्रभु, अहो प्रभु कहने के बजाय मेरा बाबा ये तो कहा ना, इसलिए बाप दादा आने वालों को देख करके खुश हैं। बच्चे आ गए, आ गए। देखो आधा क्लास तो पहले बारी का है। अभी पितूब्र पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी बनना। अभी भी अगर तीव्र पुरुषार्थ किया तो तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हो। तो मार्जिन तीव्र पुरुषार्थ की है। अभी साधारण पुरुषार्थ गया और बाप दादा हरेक आने वाले बच्चों को चक्र ला करके देखते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या ढीले ढीले आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा चक्कर चारों ओर लगाते हैं। आप तो चारों ओर नहीं जा सकते हो, लेकिन बाप दादा तो रोज चक्कर लगाते हैं। बाप के साथ जो आपके एडवांस बच्चे हैं और एडवांस पार्टी के विशेष गए हैं, वो भी बाप दादा के साथ चक्कर पर निकलते हैं। कौन कौन एडवांस बच्चे हैं और जो एडवांस में शरीर छोड़कर गए हैं, वो भी बाप दादा के साथ निकलते हैं। कहां? चारों ओर का चक्कर लगाने में। तीनों निकलते हैं। कौन कौन? बाप भी निकलते, शरीर छोड़कर जाने वाले एडवांस पार्टी के भी निकलते, और जो प्रैक्टिकल में एडवांस पार्टी है वो भी बाप के साथ निकलते। 5-3-12 की अव्यक्तवाणी का छठा पेज। आप लोगों को देख करके खुश होते हैं कि हमारे भाई हमारी बहनें आ गई। क्या कौन खुश होते हैं? जहां जहां चक्कर लगाते हैं वो सब देखने वाले खुश होते हैं कि हमारे भाई हमारे बहन आ गए।
आ गए इसलिए आगे बढ़ते चलो। सारे परिवार की आपको मुबारक है। अच्छा, आज मधुबन वालों को विशेष बाप दादा एक बात की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? सभी ने अभी तक सेवा बहुत अच्छे प्यार से की है। कितना भी बड़ा परिवार आया लेकिन सेवा में निमित्त तो मधुबन वाले बनते हैं, चाहे हरजौन सहयोगी बनते हैं, लेकिन फिर भी जो परमानेंट रहते हैं उनके सहयोग के बिना तो नहीं कर सकते। इसलिए एक एक मधुबनवासी सिर्फ नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले भी, हॉस्पिटल भी, जिन्होंने भी सहयोग दिया है और अथक बनकर के सहयोग दे रहे हैं, इसलिए एक एक बच्चा अपने नाम से बाप दादा का प्यार, बाप दादा का याद स्वीकार करना। अच्छा, जो मधुबन वाले हैं वो उठो, जो भी यहां बैठे हैं तो खास मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं, किन बच्चों को? चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को। दिशाएं कितनी होती हैं? चार दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं में बाप के बच्चे तो बहुत होते हैं, उनको सबको होलीएस्ट कहेंगे क्या? है, एक एक दिशा से एक एक बच्चे का नाम होलीएस्ट बच्चा रखा। होलीएस्ट एक होगा या अनेक होंगे, तो चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं, पुरुषार्थ में सोए नहीं पड़े हैं, पुरुषार्थ में चल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं ऊंची उड़ान और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रतन को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और कोई डबल होली तो बनते ही नहीं है, आप ही डबल होली बनते हो। इसलिए पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जानकी से, परिवार से दिल का प्यार अच्छा है, सभी खुश होते हैं। जो दिल से करते हैं तो खुशी होती है ना, अथक बन करके कर रही हो, ऐसे ही चलते चलो।
बाप दादा तो हर बच्चे को सकाश देता है, हर बच्चे को चला रहा है, और बच्चे जो बाप दादा को चला रहे हैं उनका रिस्पांस भी देते हैं और अच्छा रिस्पांस देते हैं। क्या कहा है? बाप दादा को बच्चों को चलाना, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप दादा को चलाए रहे हैं। मोहिनी बहन से ठीक है, चलाना तो आ गया है, तबीयत में अभी ताकत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे आप चला रही हो वो अच्छा चला रही हो, ऐसे चल जाएगा। ऐसे नहीं समझो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन आपको तरीका आ गया है, इस बात पर बाप दादा खुश है। कोई ने कहा सेवा का प्रोग्राम बना, मैं जा नहीं सकी, मोहिनी बहन नहीं कहा होगा, क्योंकि पहले भी आना जाना किया है, कोई भी प्रोग्राम बनाओ भले बनाओ, लेकिन थोड़ा समय रेस्ट करके फिर बनाओ। अभी समझ गई हो ना, सेवा करेंगी ऐसी कोई बात नहीं है, जब जाना हो तो उसके 15 दिन पहले रेस्ट करो, जाना है लेकिन अपने को तैयार करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करो, जैसे डायरेक्शन है उसी अनुसार चलो, ठीक करेंगी निकलेंगी। ये नीलू बहन भी हॉस्पिटल की यात्रा करेगी, हिम्मत रखी है और शक्ति भी है ना, शक्ति बाप दादा ने शक्ति दी है और आपने शक्ति जमा की है, उस बाप दादा की दी हुई शक्ति से कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सेवा का मेवा तो मिलेगा ना, अच्छा है। परदादी से, परदादी से ये तो वाह वाह है ना, देखो अभी इसका फोटो निकालो, ये बीमार लगती है, बर्थडे की मुबारक हो। ये कमाल है कि इनका चेहरा सदा ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, शक्ल सुहानी है, कहती है ना डबल बाप है,
तो डबल वरदान है। निर्वैर भाई से और तीनों भाइयों से कटक वालों की याद दी, सबको याद प्यार देना, सबको उमंग है, अच्छा है। आवाज तो फैलता है ना, तीनों भाइयों ने बोला पुरी के महाराजा भी मधुवन में आना चाहते हैं, अभी आएंगे, बहुत आएंगे। आप तीनों मिलकर के राय करते हो, राय करते हो ना, राय करना, फिर दादियों को सुनाओ, पहले आपस में राय करो, ये अच्छा करते हो। जैसे आज किया है ना, ऐसे राय निकाल के फिर उन्हों को साथ में सुनाओ, अच्छा करते हो। रमेश भाई से तबीयत ठीक है ना, तबीयत की संभाल करना, तबीयत को हल्का नहीं छोड़ो और सदा ऐसे समझो कि बाबा के साथ चल रहा हूं। बाबा के साथ काम कर रहा हूं, अकेला काम नहीं कर रहा हूं। कौन है? रमेश भाई। रमेश भाई ने अनिला बहन की याद दी कि वो हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत थोड़ी है, कोई ने कहा सोनीपत की जमीन पर काम पड़ाना है, अच्छा है, उस तरफ सेवा तो शुरू हो। प्रोग्राम बनाना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विस्तार हो रहा है। कहाँ है? हरियाणा में, खास सोनीपत की बात बताई। भूपाल भाई से साक्षी होकर के सब यज्ञ का काम निमित्त बन करके करते चलो, इसमें बाबा का साथ तो है ही, क्योंकि अकेला तो कोई काम नहीं कर सकता, बाप तो साथ है ही, अच्छा है। मोइनी बहन की सेवा पर जो बहने हैं, बाबा जानते हैं कि देखो कोई भी सेवा करते हैं बाबा की दी हुई सेवा है,
बाप ने दी है तो पहले बाप फिर सेवा। अच्छा ओम शांति। एक छोटी सी अधूरी मुरली है, प्रातः क्लास 26-8-65। तुम बच्चों को कहा जाता है आस्तिक बच्चे, क्यों? बाकी सब नास्तिक, क्यों? क्योंकि तुम ही बाप को पहचानते हो। जो बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है उस बाप को तुम बच्चे ही पहचानते हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सामने बैठे हैं, सामने बैठने वाले बाप के सामने बैठने वाले प्रैक्टिकल में सामने बैठने वाले बेसिक वाले हैं या एडवांस वाले हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल में सामने बैठे हैं इसलिए कहा जाता है आस्तिक बच्चे। बाकी तो सारी दुनिया के सामने बाप प्रैक्टिकल में तो नहीं होता। सिर्फ याद करते हैं तो तुम बच्चे ही सच्चे ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मा बाप भी प्रैक्टिकल में है और तुम ब्राह्मण भी प्रैक्टिकल में हो। ऐसे ब्राह्मण ही आस्तिक होते हैं, बाकी सब नास्तिक हैं। क्योंकि बाप को बाप के प्रैक्टिकल रूप को जानते ही नहीं। तो ये है तुम्हारा ब्राह्मण धर्म, जो ब्रह्मा द्वारा बाप बैठे स्थापना करते हैं। असली ब्राह्मण धर्म कौन सा हुआ है? ब्रह्मा द्वारा बाप बैठे स्थापना करते हैं। कौन सा बाप, कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण धर्म वाले ही आस्तिक हैं जिनकी स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा होती है। क्योंकि बाप द्वारा ही बाप को जानते हैं। क्या? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में तो माँ बच्चों को बाप का परिचय देती है और यहाँ माँ असली परिचय नहीं देती। माँ कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। खुद बाप को जानते हैं? हैं? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि खुद ही गीता का भगवान बाप बने बैठे हैं। समझते हैं मैं ही गीता का साकार में भगवान हूं। तो अपन को भगवान बाप समझने वाले बाप को नहीं जानते।
बाप द्वारा ही बाप को तुम बच्चे जानते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है फादर सो सन। क्या? मदर सो सन नहीं कहा जाता। मां बच्चे को प्रत्यक्ष नहीं करती। कौन प्रत्यक्ष करता है? बाप ही बच्चों को नंबर वार प्रत्यक्ष करता है। तो माला प्रत्यक्ष हुई है क्या? हुई है कि होनी है? हो नहीं रही है, हो भी रही है। फादर सो सन्स नंबर वार। सन के साथ डॉटर भी होती है, परंतु फादर निराकार है। बच्चों को ही कहेंगे फादर सो सन। बाप निराकार है तो आत्मा रूपी बच्चे भी निराकार हैं। अर्थात है निराकारी स्टेज वाले हैं। निराकार बाप बैठे निराकार बच्चों को समझाते हैं। और कोई मनुष्य मात्र ने ऐसे नहीं समझा सकते। कैसे है कि निराकार बन करके निराकारी स्टेज में बैठने वाले बच्चों को समझाएं। गुलजार दादी में जो आते हैं उनको निराकार कहेंगे या आकारी कहेंगे? निराकार आते हैं तो झटका नहीं लगता, चेहरा मोरा नहीं बदलता। और आकारी आते हैं तो झटका लगता है, चेहरा मोरा बदल जाता है। जैसे बाप ज्ञान की गहराइयों को समझाते हैं, ऐसे गुलजार दादी में अव्यक्त बाप दादा जो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, षष्ठ चक्र की ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझा सकते। कोई मनुष्य मात्र नहीं समझा सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, कि अभी हम समझ करके आस्तिक बन गए हैं। पहले नास्तिक थे। सारी दुनिया नास्तिक है, अर्थात बाप को नहीं जानती। और तुम आस्तिक बन गए हो। तो जो नहीं जानते हैं क्या, जो बाप को नहीं जानते हैं, दुनिया वाले तो पहले भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच जो अपन को अलौकिक ब्राह्मण कहते हैं, परंतु अलौकिक ब्राह्मण कहते हुए भी अभी बाप को नहीं जानते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको जानवर मिसल कहेंगे। क्या कहेंगे? जानवर को बुद्धि होती है? है? नहीं होती है। बुद्धि न होने के कारण समझ नहीं सकते हैं।
उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं। हैं तो मनुष्य है, जानवर मिसल हैं लेकिन जानवर नहीं है, हैं तो मनुष्य है। मनुष्य मात्र तुम सब नास्तिक थे, अब जब तुम आकर हमारे बने हो, ब्रह्मा द्वारा बने हो, तो तुम आस्तिक बन पड़े हो। कौन से ब्रह्मा द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। बाप को ना जानने के कारण, बाप की रचना को भी नहीं जान सकते, और बाप की रचना को नहीं जान सकते तो बाप का वर्षा भी नहीं ले सकते। तुम बाप को जानने से वर्षा भी लेते हो। किस बात का वर्षा है? किस बात का वर्षा लेते हो? अरे बाप राजयोग सिखाने आते हैं तो किसका, किस बात का वर्षा देते हैं? राजा ही का वर्षा देते हैं, कंट्रोलिंग पावर का वर्षा देते हैं। तुम बाप को जान लेते हो इसलिए तुमको कंट्रोलिंग पावर का वर्षा मिल जाता है, विश्व की बात सही ले लेते हो, सारे विश्व को कंट्रोल करते हो। तो ऐसा सदगति दाता वो ही बाप पतित पावन है, जो तुम्हारी ऐसी सच्ची सच्ची सदगति करता है। बाप बैठे तुम बच्चों को समझाते हैं, बैठ समझाते हैं, खड़े होके समझाते हैं, क्या मतलब है? हाँ, बाप को इस तन में बैठ करके तुमको समझाते हैं। तो देखो उनमें और तुम में कितना फर्क है। वहां बाप नहीं समझाते हैं, मनुष्य गुरु मनुष्य गुरुओं को, मनुष्यों को समझाते हैं, और तुमको सारी सृष्टि का बाप विश्व पिता बैठ समझाते हैं। हैं तो वो भी मनुष्य, सूरत मनुष्य की है परंतु उनकी सीरत बंदरों में चल है। अभी तुम्हारी भी नंबर वार ऐसे है, क्यों? क्योंकि बंदर से पूरे मंदिर लायक नहीं बने हो, परंतु अभी तुम ना आस्तिक बने हो। फर्क क्या है? है तुम्हारी भी सीरत बीच बीच में बंदरों जैसी देखने में आती तो है, परंतु फर्क क्या है उन बंदरों में और तुम में? तुम आस्तिक हो और वो नास्तिक हैं। बल हो मनुष्य परंतु तुम्हारी चाल देवताओं जैसी होती जाती है, है? देवताएं कोई के ऊपर आक्रमण करते हैं,
हैं? नहीं करते, हिंसा करते हैं, नहीं करते। तो तुम आस्तिक बन बाप से वर्षा लेने लायक बनते हो। कौन बनेंगे वर्षा लेने लायक और कौन गवाएंगे वर्षा? जो बाहुबल का प्रयोग करते हैं वो वर्षा गवाएंगे, और जो योग बल का प्रयोग करते हैं, ज्ञान बल का प्रयोग करते हैं, वो वर्षा पाएंगे। बाहुबल सिर्फ भुजाओं को ही नहीं कहा जाता है, भुजाओं से जो धन कमाया जाता है उस धन का प्रयोग करके, गलत प्रयोग करके जो आक्रामक बना जाता है वो भी बाहुबल है या योग बल है, उसे भी बाहुबल कहेंगे। तो तुम वर्षा लेने लायक बनते हो, इसलिए तुमको दैवी फूल कहा जाता है। ये भारत फूलों का बगीचा था, अब द्वापर और कलयुग से इसमें कांटे घुस पड़े, और धर्म वाले आक्रामक हैं या नहीं है? है? वो दूसरों के ऊपर जबरियन आक्रमण करते रहते हैं। देवताएं तो आक्रामक नहीं होते हैं। तो ये भारत सतयुग त्रेता में देवताओं का, फूलों का बगीचा था। उस समय देवी देवताएं बहुत सुखी थे, इस समय तो सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ढेर के ढेर जो आक्रमणकारी इस दुनिया में आ गई आत्माएं, उनके संग के रंग में तो मुट्ठी भर भारतवासी भी क्या बन गए? आक्रामक बन गए, हिंसक बन गए। ये कांटों का जंगल हो गया। अभी तुम जानते हो सुखधाम किसको कहा जाता है और दुखधाम किसको कहा जाता है? है? किसको कहा जाता है? सुखधाम में सब एक दूसरे को सुख ही सुख देते हैं, और दुखधाम में दुख ही दुख देने वाले होते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। यादव कौरव संप्रदाय भी हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों की बड़ी गुप्त राजधानी है, है? कितनी बड़ी गुप्त राजधानी स्थापन करते हैं, है? चारों दिशाओं में दिग्विजय करते हैं। तो छोटी राजधानी हुई या बड़ी राजधानी हुई? पांडव राज्य करते हैं ना, परंतु अभी तुम पांडवों के पास राज्य तो नहीं है, राजधानी तो नहीं है, जिसके लिए लिखा है कि खेल में द्रौपदी को दांव में रखा। अब ये तो बात नहीं हो सकती। यहां तुमको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और भविष्य में 21 जन्मों के लिए तुम बहुत साहूकार बनते हो। इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो।
ओम शांति।